हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी द कुक। आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस खलबत्ते में हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को कूटना है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके इसमें ऐड कर देती हूँ। ये 1.5 टेबलस्पून फ्रेश अदरक है, इसे मैंने चॉप करके धो लिया है। आप अदरक फ्रेश ही ले फ्रेंड्स। और ये 14 से 15 पुदीने के पत्ते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और ये सेम क्वांटिटी के 14 से 15 तुलसी के पत्ते हैं, ये 10 लौंग हैं। और ये दालचीनी है, ये 1 टीस्पून जितना है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये 1 टीस्पून काली मिरी है, मैंने थोड़ी सी कम डाली है, आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून जीरा है, साथ ही में ये 1 टीस्पून सौंफ है। अब हम इन सारी चीज़ों को दरदरा कूट लेंगे। मैं इसे कूट के एक बोल में निकाल लूँगी। देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लिया है। अब हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। इस पैन में मैं 1.25 लीटर जितना पानी ऐड कर रही हूँ। और इसमें अब हम ये जो कूटा हुआ मिक्सचर है, ये इसमें डाल देंगे। और इसे ज़रा सा मिला लेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना काला नमक ऐड कर रही हूँ। इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम लो पर रखकर इसे ढक देंगे। इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए। देखिए इसमें कितना अच्छा उबाल आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मैंने लो पर ही रखा है। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने अभी तक सिर्फ 10 मिनट कुक किया है। अब हम इसे ढककर और पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा कम ना हो जाए, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसे हमें लो फ्लेम पर इसलिए कुक करना है क्योंकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हमारा काढ़ा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। इसे कुक होते हुए आधा घंटा हो चुका है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी सारे मसालों की खुशबू आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये रिड्यूस भी हो चुका है और इसका कलर भी अब चेंज हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसे आप छोटे बड़े सबको दे सकते हैं। इसे आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। इसे ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हो। जब आपका मन चाहे तब आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हो। इस काढ़े को आप बिना फ्रिज के भी ढक कर किसी जग में रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इस ग्लास में 1 टीस्पून जितना शहद या गुड़ डालकर भी मिक्स करके काढ़े को पी सकते हो। हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। इसे सर्व करते समय हम काढ़े को चलनी से छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनकर तैयार है।
आप इस तरह से काढ़ा बनाइए और अपने परिवार को सर्व कीजिए। ये सबके इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा बनाया हुआ काढ़ा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।